मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दर्जनों की तादाद में अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर मुरादाबाद के एसएसपी को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें 5 दिन पहले लापता हुए अधिवक्ता के भाई की मर्डर की आशंका को जताते हुए कटघर पुलिस पर कार्यवाही में लापरवाही का आरोप लगाया गया है तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल बीती 8 दिसंबर को कटघर थाने में कुरूला निवासी आशीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि पुलिस ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिसके बाद अधिवक्ता के भाई की गुमशुदगी के मामले में अधिवक्ता के साथ परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की। आज 2 दिन बाद परिजनों को सूचना मिली कि अधिवक्ता के गुमशुदा भाई का मर्डर हो गया है। आरोप है कि कुछ दिन पूर्व अधिवक्ता के पड़ोस में रहने वाले शाने आलम नाम का व्यक्ति उनको अपने साथ राजस्थान जयपुर ले गए थे, जहां उसने उसका मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त भी हो गई है। त्रिलोक चंद्र दिवाकर एडवोकेट का कहना है कि जयपुर में अधिवक्ता के भाई की मर्डर की सूचना परिवार को मिल गई है। मृतक की पहचान उनके भाई के रूप में हुई है। सभी परिजन जयपुर हैं और मृतक को लेकर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि मृतक के पड़ोसी शाने आलम ने एक चाकू भी जयपुर से खरीदा था। मुमकिन है कि उसी धारदार हथियार से अधिवक्ता के भाई का मर्डर किया गया हो। हालांकि वो पड़ोसी से किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहे हैं और जांच कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि पीड़ित के आरोप के आधार पर शिकायती पत्र मिला है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आईएनएन के लिए शांतनु मनोज की रिपोर्ट। मामला ये है कि अभी हमने 2 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था। हमारे एक वकील साहब के भाई जो 5 दिन से लापता थे, हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, पहले थाना कटघर में दी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। परसों आके हमने यहाँ एसएसपी साहब को दिया था, इन्होंने आश्वासन भी दे दिया था, लेकिन आज हमें पता चलता है कि उसका मर्डर हो गया है। क्या कारण है? कारण क्या है कि यहाँ का इन्हीं का वकील साहब के पड़ोस का एक शाने आलम नाम का व्यक्ति है, वो उसको यहाँ से अजमेर ले गया था और वहाँ से पता चला था कि उसने चाकू भी खरीदा था। इसी आशंका में हमने यहाँ पर एसएसपी साहब से कहा भी था कि हमें लगता है कि वो हमारे भाई का मर्डर कर देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी और आज ये खबर आ रही है कि वहाँ उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। शनाख्त की गई है क्या, वही डेड बॉडी है? हाँ जी जी बिल्कुल, परिवार वाले वहीं पर हैं, भाई हैं। रंजिश तो पता नहीं सर, किस पर हत्या का शक जताया जा रहा है? हत्या का शक शाने आलम नाम के व्यक्ति पर हत्या का शक है। ये कहाँ रहते हैं सर? ये करूले पर रहता है। अजमेर का जिक्र आ रहा है सर, अजमेर में। अजमेर का जिक्र ये है कि ये इनको काम के बहाने वहाँ ले गया था। मुझे तो ये लगता है कि ये शायद उनको मारने के लिए ही वहाँ पर इसी बहाने ले गया था। उसकी पूरी तैयारी थी पहले से ही, उसने वहाँ पर जाकर चाकू भी खरीदा था। सर इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है आपके द्वारा? रिपोर्ट हमने 8 तारीख को यहाँ एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन हमारी कोई यहाँ पर सुनवाई हुई नहीं थी। अब आज हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है, लेकिन हम भी यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे उसको अभियुक्त को ये गिरफ्तार नहीं कर लेते। हम यहीं पर बैठे रहेंगे एसएसपी साहब के यहीं पर ऑफिस के सामने। मतलब परसों हमने एप्लीकेशन दी तो हमारी एप्लीकेशन पर कोई इन्होंने गौर नहीं किया और हमें ये उसका ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि आज उसकी हत्या कर दी गई है। ये थाना क्षेत्र कटघर का प्रकरण है। एक व्यक्ति के बारे में ये आरोप है कि किसी व्यक्ति को लेकर के वो राजस्थान गया हुआ था, जहां उसकी डेड बॉडी मिली हुई है और इनका आरोप यह है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र कटघर का मैटर है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है। न्यूज डेस्क आईएनएन।